नमस्कार, मैं हूँ संदेश शौलक शर्मा। पंजाब के सी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें आपने हर रूप में बहुत ज़्यादा पसंद किया, फिर बेशक वो फतेह हो या फिर रियल वाले अंकित गुप्ता हों। और अब जहान है जो, उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, ये हमें उम्मीद है। हम आपसे मिलवा ही देते हैं उनको। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब के। थैंक यू सो मच। पहले तो ना, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो जुनूनियत के लिए और जो इतना सारा प्यार आपको बाहर से मिल रहा है उस सब के लिए। थैंक यू सो मच। जुनूनियत आपके पास कैसे पहुंचा? आप प्रोड्यूसर्स हैं जो सरगुन और रवि, उनको आप बहुत ज़्यादा पसंद हो या वो एज अ प्रोड्यूसर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? आई थिंक ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल फीलिंग है। मैं क्योंकि उनके साथ पहले पहला शो किया था तो उनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। एक रिलेशनशिप जो है उनके साथ बहुत अच्छा है। उसका रीज़न ये भी है कि वो लोग एक्चुअली समझते हैं, यू नो, कंटेंट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, दे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। एंड जो कुछ भी बनाते हैं उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। मे बी बिकॉज दे आर एक्टर्स देमसेल्व्स, सो दे अंडरस्टैंड व्हाट एन एक्टर गोज थ्रू, यू नो, व्हाइल डूइंग सर्टन थिंग्स। तो इसलिए कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा है उनके साथ। एंड क्योंकि मैं उनके साथ इतने टाइम से हूँ तो शायद वो अंडरस्टैंडिंग और वो प्यार उनकी तरफ से भी है। तो इस है। हाँ, इनफैक्ट जब सरगुन ने मुझे शो के बारे में बताया था तो शी सेड, आई टोल्ड हर कि यार ये तो म्यूजिकल शो है, मुझे क्यों ले रहे हो? तो शी सेड, नो, जहान तू ही है। So I saw that lot of confidence in her. I said, Sargun has so much of confidence in me, then why am I reluctant? I should do it. ये जो शो है, इसमें जब बिग बॉस में आपको देखा था ना, गौतम के साथ आपका इतना अच्छा नहीं था जब तक गौतम वहाँ पे थे, लेकिन बाहर निकले तो शो में वो आपके साथ है, तो आपको कैसा लगा था? फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? नहीं, गौतम के साथ मेरा कभी ख़राब नहीं था। इनफैक्ट आप अगर देखोगे तो मेरा शो में किसी के साथ ख़राब नहीं था, मेरी कभी किसी के साथ लड़ाई ही नहीं हुई। और इनिशियल डेज, इफ़ यू सी, जब बिग बॉस का पहला, दूसरा, तीसरा दिन, मैं, गौतम और प्रियंका ही सबसे ज़्यादा चिल करते थे। तो प्रियंका, गौतम के साथ इट वाज अ गुड बॉन्ड। एंड गौतम के इविक्ट होने से पहले भी वी हैड अ ग्रेट बॉन्ड। काफ़ी बातें हम काफ़ी टाइम साथ में बिताते थे। एंड व्हेन आई केम आउट एंड आई गॉट टू नो कि गौतम जॉर्डन कर रहा है, आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड आई स्टार्टेड लाफिंग। बिग बॉस में तो प्रियंका के बाद अगर नाम आता तो साजिद खान का। जी, उनके साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है। और वो एक्चुअली दोस्ती इसलिए भी हो गई क्योंकि साजिद सर के साथ मैं कभी गेम की बातें नहीं करता था, कभी शो की बातें नहीं करता था। वी हैड अ डिफरेंट कॉन्वर्जेशंस, म्यूज़िक की, फिल्मों की, और जो मैं बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। तो उनके साथ ये सब बातें करते करते एक बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उनके साथ आगे कुछ देखेंगे हम साजिद खान के साथ? आप ये तो वक्त ही बताएगा, अभी क्या बोल सकते हैं। अच्छा, चलो जुनूनियत पे आते हैं। जहान और अंकित में कौन कौन से सिमिलरिटीज हैं और कौन सा आपका लगता है कि ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोनों में? जहान और अंकित में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। लाइक अंकित, जहान इज़ आल्सो वेरी काम, कंपोज्ड, कम बोलता है। अपनी सिर्फ फैमिली है उसकी, जो है उसके दोस्त कुछ है नहीं। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इज़ द जो जहान है, इज अ म्यूजिशियन, इज़ अ कंपोजर, इज़ अ लिरिसिस्ट। और मुझे तो म्यूज़िक के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है मेरे लिए प्ले करना। तो इसके लिए आपने म्यूज़िक की कुछ प्रैक्टिस की, कुछ ट्रेनिंग ली, कुछ किया? आई एम लर्निंग फ्यू कॉर्ड्स इन गिटार, थोड़ा कुछ दो तीन कॉर्ड्स, और थोड़ा बहुत हारमोनिका बजाना सीख रहा हूँ, लिप सिंग करना गानों पे, हाउ टू, यू नो, परफॉर्म अ सॉन्ग। गाना गाना और परफॉर्म करना टू डिफरेंट थिंग्स, सो आई एम लर्निंग दैट आल्सो। आपका जो पहले वाला शो था उडारियाँ और जुनूनियत, इसमें ना कुछ सिमिलरिटीज जो मुझे लगती हैं उसमें, प्रोड्यूसर्स तो ऑब्वियस है, सेम है ना, पंजाब और पंजाब इसमें भी है ना। उसमें दो लड़कियाँ थी, एक लड़का था, इसमें दो लड़के हैं, एक लड़की है, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आपको? मुझे तो देखो दोनों ही अच्छे लगे हैं, क्योंकि उडारियाँ मेरा पहला सोलो मेल लीड था, वो मेरे दिल के बहुत करीब है और हमेशा रहेगा।
और जुनूनियत में मुझे एक ऐसा रोल करने को मिल रहा है जो मैंने कभी किया नहीं है और मेरे लिए सबसे मुश्किल है, तो इसलिए जुनूनियत भी मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इतनी मेहनत शायद मैंने किसी और शो के लिए नहीं की कभी। तो मेरे लिए दोनों शो, नॉट जस्ट दोनों, में इनसे पहले भी जितने मेरे शोज थे आई थिंक मेरे लिए सारे शोज एक 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 मायने रखते हैं, और ऐसा मैं कभी रैंक नहीं दे पाऊँगा अपने किसी भी शो को कि ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, क्योंकि हर चीज़ को जो भी मैं करता हूँ वो बहुत दिल से करता हूँ और उसको अपने दिल के करीब रखता हूँ। अच्छा, प्रियंका के साथ हम आगे आपको स्क्रीन पे इकट्ठे देखेंगे या कब देखेंगे? अगर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आएगा, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो हम दोनों करने में इंटरेस्टेड होंगे, तो डेफिनेटली। थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अमित के साथ संदेश ओलक शर्मा, पंजाब के साथ।